हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें हम लोग आपको बताते हैं क्वांट्स के शॉर्टकट। तो आइए आज सीखते हैं एक और शॉर्टकट। दोस्तों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, टाइम कम होता है, लिमिटेड टाइम होता है। ऐसे में हमें अगर कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे हम कोई क्वेश्चन को कुछ ही सेकेंड्स में कर सकें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और स्कोर काफ़ी बढ़ जाएगा, हम काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन जो काफ़ी पॉपुलर है और क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी लेंदी हो सकता है, मगर हम लोग अगर ये हमें पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में हम लोग देख कर आंसर बता सकते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व हो सकता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन है जहां पर तीन सेमी सर्कल है, ए बी डायमीटर का एक सेमी सर्कल, ए ओ डायमीटर का एक सेमी सर्कल, ओ बी डायमीटर का एक सेमी सर्कल, और इन तीन सेमी सर्कल के बीच में एक सर्कल है, ऐसे किसी भी केस में इस सर्कल की रेडियस होती है 1/6 ऑफ डायमीटर ऑफ बिगर सेमी सर्कल। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टली बता सकते हो आप कि आर की वैल्यू 1/6 ऑफ ए बी होगी और ए बी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है तो आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर होगी। तो कितना आसानी से सिर्फ देखकर हमें आंसर पता चल गया। अब देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, तो आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये तीन सेमी सर्कल के बीच में एक सर्कल है, अगर मैं इसका सेंटर ले लूं, ओ ए का सेंटर, ओ बी का सेंटर, ये दो सेमी सर्कल का सेंटर ले लें, तो देखिए ए बी अगर 6 सेंटीमीटर है तो ए ओ 3 सेंटीमीटर होगा और ये 1.5 सेंटीमीटर होगा, आधा होगा इसका, ये भी 1.5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1.5 सेंटीमीटर होगा। अब आप इस सेंटर को इसके सेंटर से मिला दीजिए, इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दीजिए। अब आप देखिए कि एक ट्राइंगल बन रहा है, अगर इसका नाम हम लोग दे दें ए बी सी डी और ई, ये नाम अगर हम लोग दे देते हैं तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है और इसमें ये जो सी डी है, दिस इज इक्वल्स टू, ये रेडियस है सर्कल की, ये 1.5 रेडियस है इस सेमी सर्कल की, ये रेडियस है सर्कल की, ये 1.5 इस सेमी सर्कल की रेडियस है और यहाँ पर ये डी ई की वैल्यू 1.5 और 1.5 आ रही है। अब अगर मैं इस सी को ओ से मिला दूं तो देखिए ये एक आइसोसेलस ट्राइंगल है क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल है, ये लाइन परपेंडिकुलर होगी यहां से यहां देखिए, और इसको अगर मैं यहां पर मिला दूं तो ये आर है और ये पूरी लाइन, अगर मैं इसका नाम सी डी ई एफ दे दूं तो ओ एफ इस बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस है जिसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगी, तो सी और ओ, तो हमारा पास ओ सी की वैल्यू आ गई ओ एफ माइनस एफ सी। देखिए यहां से देखिए, ओ से एफ तक की लेंथ में से अगर मैं एफ सी आर को माइनस कर दूं, ओ एफ 3 सेंटीमीटर है बड़े वाले सर्कल की, बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस, एफ सी एफ से सी तक इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस है जिसकी वैल्यू आर के बराबर है, तो 3 माइनस आर हो गया ओसी की वैल्यू और सीई की वैल्यू आर प्लस 1.5 हुई और ओई की वैल्यू 1.5। और यहां पर मैंने बताया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, हाइपोटेनियस आर प्लस 1.5 CE के बराबर है, तो CE का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर हुआ। नाउ CE की वैल्यू जैसा भी कुछ देर पहले हमने देखा R प्लस 1.5 है, सो दिस इज R प्लस 1.5 स्क्वायर, OC अभी हम लोगों ने देखा 3 माइनस R है, 3 माइनस R का स्क्वायर है और OE का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए 2.25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू आर इंटू 1.5, इसमें भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दें तो 3 का स्क्वायर 9
प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 3 6 r और 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2.25 से 2.25 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये एक लीनियर इक्वेशन बची है, ये 2 और 1.5 r को मल्टीप्लाई करें तो 3r, 9 माइनस 6r, 6r इधर ट्रांसफर होगा तो 3r प्लस 6r इज इक्वल्स टू 9, 9r इज इक्वल्स टू 9 और r की वैल्यू हो गई 9/9 इज इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों ये r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आ गई डायरेक्टली, जो मैंने आपको बताया था कि r की वैल्यू हमेशा 1/6 ab होती है, ये याद रखिएगा दोस्तों। तो आप एक सेकेंड में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया, शॉर्टकट पसंद आया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।